लगाने भूल गई, सॉरी। हाँ सॉरी। तेरी बेटी सहस्रा को मैंने किडनैप किया। क्या किडनैप? हमारा कहा मानेगा तो बर्थडे मनाएगा, और अगर नहीं मानेगा तो माता। दोनों में से क्या पसंद है जल्दी डिसाइड कर, मैं बाद में फोन करूंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? बात क्या है बताइए। हमारी बेटी सहस्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप किया है? हाँ, किडनैप। आखिर हमारी बेटी को क्यों किडनैप किया है? समझ में नहीं आ रहा। तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, सहस्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिक्र मत करो मामा, भले ही मेरी जान चली जाए सहस्रा को लेकर जरूर आऊंगा। तुम्हारी जान देने से सहस्रा वापस नहीं आएगी बेटा, पैसे देंगे तभी आएगी। मेरी प्यारी बच्ची, हमें ये पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। हेलो, तो क्या फैसला किया? इंतजाम हो गया है, बताओ पैसा कहाँ लाना है मुझे। माधवपुर राइट साइड, अकेले आना होगा। एक घंटे के अंदर। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। जॉन, अरे कहाँ है जॉन? अरे कहाँ सुबह यार? शुक्र है ऊपर वाले का, तू सही सलामत आ गई। बस ये समझो, आज तुम्हें दूसरा जन्म मिला है बेटा। आज की पार्टी हम बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सहस्रा जा बेटा, तैयार होकर आ जा। ये कैसे हो गया? काम तो पूरा हो गया था, पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। सारा गेम उल्टा हो गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो, आपने कहा था कि आज की पार्टी बहुत ग्रैंड होगी, तो इस बार आप क्या गिफ्ट दोगे उसे? अपने दोस्त मोहन राव के बेटे के साथ सहस्रा की शादी का ऐलान करूंगा। इससे बड़ा तोहफा उसके लिए और क्या हो सकता है।
आपने बहुत ही सही फैसला लिया है। ठीक है ठीक है, केक काटने का वक्त हो गया है, आप नीचे आ जाइए। ओके। वाओ, इट्स सो कूल। नो डैडी, आई एम देयर, नो, बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज हिम्मत रखिए डैडी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। माँ प्लीज रोइए मत, प्लीज बैठ जाइए, डैडी को कुछ नहीं होगा, उनका इलाज चल रहा है ना, प्लीज। उनको होश आ गया है, हे भगवान, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अंदर जाइए। सहस्रा, 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 बेटी, डैडी, सहस्रा बेटी, मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को अपने घर से दुल्हन बनाकर विदा करना चाहता था, करोड़ों रुपए कमाए मैंने, तुझे दुल्हन के लिबास में देखे बिना ही जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं होगा डैडी, मैं हूँ ना। वादा करो बेटी, मेरे जाने के बाद तुम मेरा सपना पूरा करोगी। आज तक मेरे अपनों ने मुझसे सिर्फ मतलब का रिश्ता रखा है बेटी, उन पर कभी विश्वास मत करना। बेटी सहस्रा, मेरा दोस्त है मोहन राव, तुम उसके लड़के से शादी कर लेना, मैं उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहता था बेटा। आपका हर सपना मैं पूरा करूंगी बेटी सहस्रा, मैं वादा करती हूँ डैडी। सहस्रा डैडी, डैडी, अरे भाभी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ बैठी हो। जो चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते। बिल्कुल सही, सही बात कही, मैं भी वही समझा रहा था। चार दिन पहले मुझे फोन करके कहा आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए बस, लेकिन उसके पहले ही ये सब हो गया। चार दिन पहले तो उन्होंने फोन करके मुझसे कहा था, और ये बात उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कही थी कि यादगिरी को मैं अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूँ, पर अफसोस ये खुशियाँ देखने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। मेरी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह तय है। क्या कहा, कहीं और रिश्ता हुआ है? अगर ऐसा होता ना तो भैया मुझे पहले बताते। हाँ, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ? कि उसी लड़के के साथ इसकी शादी। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है? ये जितना पेट्रोल जलाते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने घर के नौकरों को देते हैं। अगर मेरे साथ इसकी शादी नहीं हुई तो मैं कहीं और भी नहीं होने दूंगा। किसी और की तरफ आंख उठाकर देखी तो उसे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। ये बताओ क्या कमी है मुझ में, बताओ। आज तो प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ उसी में भलाई है। क्या यही तुम्हारा सपना है? सपना नहीं बहन, हमारा हक है। आपका सपना हो या हक हो, उसे पूरा करने के लिए क्या मेरी ही बच्ची मिली है? मैं आज ही वकील साहब को बुलाकर उनकी सारी दौलत आपके नाम कर देती हूँ, ठीक है ना? दौलत मिलके उसके बाद शादी ना हो क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या समझती हो हम दौलत के लिए पीछे पड़े हुए हैं? सुन लो, तुम्हारी बेटी बदनाम हुई है फिर भी मेरा लड़का उससे शादी करने को तैयार है। हम इज्जत देना चाहते हैं और तुम हो कि माँ बेटी दोनों। सुन लो, किसी और से शादी कैसे होती है मैं भी देखता हूँ। जल्द से जल्द मोहन राव जी को बुलाकर मैं शुभ मुहूर्त निकालती हूँ बेटा। May I come in, sir? Come. आ बैठो। I'm sorry. I am so sorry. सहस्रा, तुम्हारे जो एक सरपस्त थे वो चले, अब एक बिना सरपरस्त लड़की की जिंदगी जानती हो कैसी होती है? एक बस स्टैंड में जैसे कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स खुला हो, या
रोड की साइड में कोई डस्टबिन पड़ा हो। अगर ऐसी दिशाहीन जिंदगी हो जाए तो पता है क्या होता है, उसका मजा लूटने के लिए वो किसी फॉर्म हाउस में रास लीला रचाने वाली रसिका बनकर रह जाती है। तो अगर तुम हाँ करो तो मेरे फॉर्म हाउस में हम रास लीला रचा सकते हैं। What? मैं तुम्हारी यहाँ का इंतजार करूंगा। आएगी जरूर आएगी, मेरे ही फार्म हाउस पे ये अपनी रासलीला रचाएगी। क्या हुआ सस्त्रा? कुछ नहीं। क्या यार, सभी की जुबान पे तेरी शादी की चर्चा चल रही है, फिर हमसे ये बात क्यों छुपाई तुमने? इतनी सारी दौलत होते हुए भी मुझे पल भर के लिए सुकून नहीं है। ये दौलत मेरी दुश्मन बनी हुई है। मेरे डैडी की आखिरी इच्छा, उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था। जल्द से जल्द घर बसाना होगा। तूने अपने होने वाले दूल्हे को देखा है ना? फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम एक साथ स्कूल में पढ़े। अच्छा, ओहो, तो ये कहानी बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, आज शादी के दिन भी तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? अगर आज डैडी होते तो कितना अच्छा होता। छोटी मालकिन, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हे राजा चल बसे। जानबूझकर हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अनजाने में पता नहीं कौन सा पाप हो गया है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए ना ज्योतिष जी। पहले हमारी बच्ची का किडनैप हुआ था, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। 2 दिन पहले हमारी बच्ची की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी, वो लड़का इस दुनिया से चल बसा। क्यों? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बहन, ये सारा खेल भाग्य के चक्र का है, वो सदा घूमता ही रहता है, काल हमेशा उसके साथ चलता रहता है। तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए कुछ पापों को तुम्हें इस जन्म में सूद समेत चुकाना पड़ रहा है, और तुम्हारे उन पापों के कुछ अंश तुम्हारे अपनों को भी चुकाना पड़ रहा है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विरुद्ध है, इसका उपाय ये है कि आप अपनी पुत्री को भाद्रपद के शुक्रवार के दिन वैष्णो देवी के मंदिर में यदि दर्शन कराएंगी तो उनकी असीम कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, और साथ ही सारे दोषों का निवारण भी होगा। उसके बाद इस बच्ची के जन्म कुंडली से मेल खाने वाला कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसका विवाह करवा दीजिए तो अति उत्तम। माँ की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है ज्योतिषी जी। शुभम भवतु। ये सब क्या है माँ? ये पूजा, तांत्रिक फेरे, हम लोग कुछ समय वेट करेंगे तो क्या चला जाएगा? हाँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती। ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटी, यहाँ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। इस संसार में बिना वजह के दिन रात भी नहीं होते। हम पर भी ये नियम लागू है बेटी, इसीलिए तो हम जी रहे हैं, हमें मानना ही पड़ेगा। चल।
समुद्र राजतने श्री रंग धामेश्वरी दाशी बुद्ध समस्त देव वृहदा लोक कई कह दीपांकरम। हाथ आगे करो। मेरी बच्ची के नाम से पूजा अर्चना कीजिए। हाय हाय, आप इंश्योरेंस कलेक्शन का काम करते हैं ना? जी हाँ। क्यों? हर एक्सपीरियंस के पीछे एक टचअप होता है, उसमें अभी भी आप कच्चे हैं, आपको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। मेरी सलाह को आप गलत मत समझिएगा, आपको जिंदगी में जरूर कामयाबी मिलेगी, डेफिनेटली आपकी कोशिश वर्कआउट होगी। थैंक यू। कार्तिक। हाँ माँ। तो पीजी में क्यों रहता है बेटा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलाकर जैसा तैसा कमा लेता है ना तू, तो फिर पैसों के लिए ये प्रसाद बांटने का काम क्यों करता है? कोई भी काम छोटा नहीं होता है माँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप जरा इन्हें चेक कर लीजिएगा। Okay. घबराने की कोई बात नहीं है ना? You don't worry. We'll take care of him. Okay. What happened? Don't worry. He's out of danger. Diabetic patient है. उनका शुगर लेवल हाई हो गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। आप यहाँ डॉक्टर हैं क्या? Yeah. वो आपके कौन हैं? Actually, वो हमारे मंदिर के पास ही रहते हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए यहाँ लेके आ गया। और आप? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास और सेमिनार्स कंडक्ट करता रहता हूँ। उस मंदिर के पुजारी मेरे पापा ही हैं। ओ। बाबूजी, बाबूजी, कुछ तो दे दो बाबूजी। मेरी बात नहीं हूँ। अरे मैं मांग तो रहा हूँ। तुझे दे ना। अरे दे दो ना बाबूजी। अरे तू कहाँ जा रहा है? बाबूजी, बाबूजी कुछ दे दो बाबूजी। सोई नहीं? बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं माँ। हाय। हाय। ए हटो, जगा दो, भाई आ रहे हैं। हटो। देवी माता, तूने किसी तरह मुझे एमएलए तो बना दिया, अब मेरी लिकर सिंडिकेट में हिस्सेदारी और जुए के क्लब की परमिशन दिलवा दे तो 6 वाइन शॉप और 3 क्लब के साथ साथ तेरे लिए एक मंदिर भी बनवाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे माता। एमएलए साहब सब कुशल मंगल? हाँ बिल्कुल। क्यों प्यारे, कैसे हो? एमएलए होने के बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ऐसे अच्छे कामों को छोड़कर आप ये क्या मांग रहे हैं? ब्रांडी शॉप और क्लब बनाऊंगा करके आप वादा कर रहे हैं। ओहो, जनता के वोट्स का आप नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं? आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। Thank you.
बेटी। एक अच्छे घर से रिश्ता आया है बेटी। अभी अभी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके काम ज्वाइन किया है। नाम उसका कल्याण है। माँ, लास्ट टाइम की तरह इतनी जल्दी क्या है? ऐसी बात नहीं है बेटी, ज्योतिषी जी ने बताया था ना कि जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए। पहले मैं तुम दोनों की कुंडली उन्हें दिखाऊंगी, अगर दोनों ने मेल खाया तभी मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। ठीक है मामा, जैसी मर्जी। बहुत अच्छी लग रही है। हेलो। हाँ 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 बोलिए। ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था वो आएंगे। क्या वो लड़का? अरे मुझे भी तो देखने दे। आज लड़का तुम्हें देखने नहीं आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, उनकी ड्यूटी लगी है इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। कोई अच्छा दिन देखकर वो खुद यहाँ चला आएगा। ओके। सहस्त्र कहाँ है? उसका यहाँ बहुत जरूरी काम है, उसे जल्दी यहाँ भेजो। हाँ मैंने खुद अपनी हार्ट बीट चेक की तो मेरी हर धड़कन से सिर्फ तुम्हारी ही आवाज निकली। टेस्ट करके देख लो या कान लगा के देख लो, सिर्फ तुम्हारी ही आवाज नजर आएगी। तुम्हें परमिशन दी तब भी तुम नहीं समझी, तुम्हें हैसियत समझाई तो भी तुम नहीं समझ पाई, तुम्हारा नाम रिकमेंड किया तो तुमने ठोकर मार दी। नो सर। अब तुम ठोकर नहीं मार सकते। देखो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे ठोकर मार के दिखाओ। मुझे ठोकर मारो, ठोकर मारो। क्या बात हो गई, इतनी अर्जेंटली बुलाया? हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर की डेथ हो गई। अरे बाप रे, कैसे? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय सहस्रा। आप? आई एम कल्याण। जब शादी की बात तय करनी थी तब आमना सामना नहीं हुआ, आज काम के सिलसिले में सामना हुआ तो हमारी मुलाकात हो गई। मैं पुलिस वाला हूँ तो घबराना मत। बाय द वे ये कौन है? ये कार्तिक है, मेरे फ्रेंड। ओह हाय कार्तिक। हाय। सो आपके बारे में जानने के लिए होटल में बैठना पड़ेगा। अरे यार क्या हुआ तुझे? यार मैंने सपना देखा, मैं मर रही थी।
हा? अरे यार, शाहरुख खान के साथ डांस करते हुए मैंने सपना देखा, लेकिन वो कहाँ है? ये तुम सब क्या बोल रही हो? अब तक मैंने जो भी सपने देखे वो सारे सच हुए हैं। निकी, हम मेडिकल की दुनिया में हैं, फिर तू अंधविश्वास में क्यों है? जब मैं 10th में थी तब मैंने फर्स्ट आने का सपना देखा था। सच में मुझे फर्स्ट रैंक मिला यार। इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा ये मैंने पहले ही देख लिया था, और अब मैं खुद को मरी हुई सपना देख रही हूँ। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, चल सो जा। निकी, शाहरुख खान के साथ डांस करने का टाइम है यार, सो जा प्लीज। तुम सब यहाँ आने के लिए तैयार हो ना? हाँ। तो सारा लगेज गाड़ी में लोड कर दो और मेरे गांव आ जाओ। तेरा गांव? तुझसे दोस्ती निभाते निभाते वैसे ही परेशान हो चुके हैं, अब ये तेरा नया नाटक क्या है? हाँ, कह रही है मेरे गांव आ जाओ। प्लीज सासरा, मैंने डैडी को बता दिया है कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो। तुम्हें यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा गांव कितना खूबसूरत है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम लोग नहीं आए ना तो समझ लेना फ्रेंडशिप खत्म हो गई। समझी? हम तो फंस गए यार, क्या करें? चलें? चलो चलते हैं। नहीं 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 नो यार, चलना। ए, स्टॉप स्टॉप। रुको यार, रुको, मैं ट्राई करती हूँ ना। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। ओके 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 ओके, चलो शुरू करो। जब ये दबंग बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मैं ऐसा ही हूँ। सलमान जी, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो आपका इंटरव्यू कौन लेगा? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। हाँ तो मैडम, फिल्मों में और मॉडलिंग में क्या फर्क है? वो क्या है ना सलमान जी, एक ही काम के दो हिस्से हैं। क्या नहले पे तहला जवाब दिया है तुमने। तो क्या मुझे ऑस्कर के लिए ट्राई करना चाहिए? वो क्या है ना सलमान जी, उसमें तो आपका हक बनता ही है। मम्मी, मुझे मिनरल वाटर ला कर दो ना। अब्रॉड में बिकनी का फैशन ज्यादा है ना मैडम? बिल्कुल सलमान जी, वहाँ लड़कियों को ज्यादा गर्मी होती है। वहाँ बीच ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए। बीच यानी है क्या? आजकल लोग सद्भावना को छोड़कर संप्रदाय को अपना रहे, ऐसा क्यों है मैडम? मैं आपको बताऊं सलमान जी, ऐसा करने वालों को करोड़ों रुपया अंदर करने को मिलता है और फैंस भी बढ़ जाते हैं। ये छीना छपटी वो लोग क्यों करते मम्मी? तुम तो चुप ही करो बेटी, राजनीति से तुम्हें क्या लेना देना। क्या हुआ? आउच, कैसे ड्राइव कर रही है? देख तो, अगर अब ये क्या हुआ? क्या पता यार कैसे हुआ? क्या हुआ? गाड़ी का फ्रंट टायर पंक्चर हुआ है। ओफो, गाड़ी तो तेरी जैसी हट्टी कट्टी है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? स्टेपनी है क्या यार? हाँ, बदली करने का सारा इंतजाम है। तो फिर बदल ना। बहुत प्यास लगी है यार, और हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है, अब क्या करें? प्यास तो मुझे भी लग रही है। आसपास कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, ट्राई करो ना जाकर। मैं जाकर पानी का इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम लोग टायर बदल लो, ठीक है? ये काम हम दोनों कर लेंगे, तुम लोग जल्दी से पानी ले आओ, ठीक है? ओके। दरअसल हम लोगों को बहुत प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? वहाँ मिलेगा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कितना अजीब सा आदमी था, उसका चेहरा तो इतना भयानक था, मैं डरी गई। Thank you.
क्या चाहिए बेटी? हम लोगों की गाड़ी का टायर रोड में पंक्चर हो गया है, बहुत प्यास लगी है। यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ला देता हूँ। एक्सीडेंट से मर गया, ट्रक ड्राइवर था, बेचारा जवानी में ही चला गया। अब हम चलते हैं। हाँ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। फोन नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही है यार, फिर से करना ट्राई। सहस्रा। हाँ सहस्रा बोल। अंजू आर यू ओके? हाँ ओके, क्या हुआ? अंजू मेरी बात ध्यान से सुन, हमें पानी कहाँ मिलेगा ये एक शख्स ने बताया था, याद है? हाँ वो भूत जैसा ही लग रहा था। क्या हुआ? अरे वो भूत जैसा नहीं लग रहा था, वो सच में भूत था। संभल के, तुम लोग संभल के रहना। गाड़ी का टायर बदलना है। तुम कौन हो? मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अच्छा कई आत्माएं जान लेने के लिए भटकती रहती हैं। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। इसकी हिफाजत के लिए अपने पास रखो, हर 10 मिनट में इसे पिलाते रहो। इस पर आत्मा सवार है, तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। यहाँ पास ही में एक वैद्य भी हैं और तांत्रिक भी हैं जो हमारे गुरु हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरु जी का आश्रम है, सबसे पहले इन्हें वहां लेकर चलना होगा, तभी ये बच पाएंगे। 2 किलोमीटर की दूरी पर है आश्रम, आराम से चलाओ बेटा।
ये इलाका बहुत डेंजर है यार। सच कहा यार। ये क्या कर रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो? ए मंजू, तू गलत मत समझना हमको। मुझे बाथरूम जाना है। ओके, कम ऑन, मैं ले चलूं। चलो आ जा। इसकी जान को कोई खतरा नहीं, ले जाइए। केटा पंजू, आ जा। यार इतना लेट क्यों हुआ? और तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? बस करेगी? अच्छा, मुझे डराने में मजा आया था ना? आज तुम लोगों के चेहरे पे डर दिख रहा है। चुप कर यार, तुझे मजाक लग रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, पहले तुम सब लोग फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, शाम को हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, ठीक है? ओके, हाँ चलो ठीक है। सुपर है यार। एक्चुअली बोलो के वहां देखो, वहां जो कुआं दिख रहा है ना, उसे मौत का कुआं कहते हैं। मैं रात में देख सकती हूँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है।
यस, मतलब तेरे अंदर का सारा डर निकल गया है। ये तू क्या बोल रही है, ऑलरेडी मौत से खेल कर आए हैं, अब फिर से खेलना जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है, मान लो तुम डरती हो। कहना क्या चाहती है, उसमें भूत है क्या? क्या मैं उसे देख कर आऊँ? वो मुझे मार देगा क्या? चल मैं देख कर आती हूँ। चलो जाओ। अगर मुझे भूत नहीं दिखा ना तो समझ ले तू, तेरी अच्छी खबर लूंगी मैं। जल्दी पकड़, वहाँ पर है, कम ऑन जल्दी कर। देखा? हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है। दिखाई दिया क्या? नहीं कुछ नहीं दिखा मुझे। तो फिर इस तरह चिपकी हुई क्यों आई तू? मजा किया मैंने तेरे साथ। ओहो, तो तुझे कुएं में कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा मुझे। सच में नहीं दिखा? तू एक ही बात क्यों पूछ रही, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं जानती हूँ तुझे दिखा है। कुछ नहीं दिखा मुझे। दिखा है? नहीं दिखा है मुझे। मैं कह रही हूँ दिखा है। सुनो तो, अंदर बॉल आई है क्या? बॉल? बॉल गया भाड़ में। तुझे क्रिकेट खेलने का इतना ही शौक है तो जाकर इंडिया टीम के लिए खेलना, यहाँ पर क्यों खेल रही है? तो इतनी सीरियस क्यों हो गई? बॉल से डर गई क्या? अचानक धड़ाम से आवाज आकर शीशा टूट गया तो कोई डरेगा नहीं क्या? क्या हुआ इसे? अरे इसे कुएं में कुछ दिखा इसीलिए बहुत डर गई है। मैं बिल्कुल नहीं डरी। बैठकर हम लोग कोई अच्छा सा गेम खेलते, समझ गए तुम लोग? बैठकर खेलने वाला गेम कौन सा है? यहाँ तो कोई गेम नहीं है, चेस नहीं है, कैरम नहीं है, कार्ड्स नहीं है, स्पिरिट गेम खेलते हैं। स्पिरिट गेम? स्पिरिट गेम? कुछ नहीं होता है, खेलते हैं ना यार, कुछ नहीं होगा, मान लो मेरी बात। नो नो नो, चलो खेलते हैं, बहुत अच्छा गेम है। नहीं चलो ना, चलो। नहीं यार, मुझे नहीं खेलना प्लीज। नहीं आओ तो मेरी बात तो मानो। ये पागल भी ना। बताओ किसे बुलाए? माइकल? माइकल जैक्सन? डेंजरस। सुंदर को बुलाते हैं? वो तो बूढ़ा है यार, किसी जवान आत्मा को बुलाते हैं। फिर ब्रह्मानंद को बुलाते हैं। अरे बेवकूफ, वो भी जिंदा है। ऐसा है क्या? हाँ मुझे याद आया, जिसे मॉर्चरी रूम में देखा था वो वीरैया, उसे बुलाते हैं। हाँ ठीक है, वीरैया को बुलाते हैं। हाँ, हाँ। कॉइन तो अपने आप घूम रहा है। अरे तो चुप, तो कुछ कह रहा है। फोन 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 लेना, जल्दी जल्दी। यस, ओ एम ई ओ एन ई डब्ल्यू आई एल 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 डी आई ई। इसका क्या मतलब? समवन विल डाई। गेम को क्लोज कर देते हैं। ये गेम क्लोज करते हैं यार। शिट, हाँ।
मजाक कर रहे हैं। तुम्हारी ये हालत देखने के लिए आखिर हम कर क्यों पाए? हम याद ही आते हैं अगर हम ऐसा हो जाए तो छोड़ के चली रस्सी लेके जाओ जल्दी सर। खींचो 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 सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं गलती से कुएं में गिर गया था सर। जाओ सर। सर छोड़ दीजिए। रमैया हूँ सर। वो मेरा छोटा भाई वीरया है। किसी के साथ उसका झगड़ा था सर। उस झगड़े की वजह से वो मारा गया। मैं उसका अंतिम संस्कार करके लौट रहा था तब ये लड़कियाँ मुझसे टकरा गई थी। ये मुझसे लिपट गई थी। जब मैंने देखा तो ये डर गई और डर की वजह से ये वहाँ से भाग गई। मैं भी डर गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। मुझे जाने दो सर। सर वो हर रोज मुर्दा घर में फूल चढ़ाने जाती थी। उसी दौरान उसके साथ ही हादसा हुआ था जिससे वो बहुत डर गई थी। जब उसने ड्राइवर को बताई तो उन्होंने एक आइडिया दिया। वीरैया उसी शॉक में मारा गया। जो कुछ भी तुमने कहा है हमसे और यहाँ जो कुछ भी हुआ है उनके बीच कुछ लेना देना नहीं है। कुछ और हटके बताओ। वो तुम जानती हो वो क्या राह से सहस रहा हमें बताओ। मेरे जूनियर डॉक्टर के साथ मैं कैंप गई थी। तब चिंतापल्ली संस्था और वो आड़बट किला और वहां पर वो कुमकुम आठों दिशाओं पर बिछाया गया था माया जाल। हाँ सहस्रा और बताओ। माया जाल माया जाल वो माया जाल। खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, मेरे भी करेंगे ना? सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, भगवान हर किसी की मनोकामना पूरी करता है। मतलब हम सच्चे मन से जो कुछ मांगेंगे वो पूरी होगी ना? बेटा तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे ने घोर तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। बच्चे ने कहा भगवान मुझे 10,00,000 रुपए दे दो और वो पैसे कभी खत्म ना हो। तब भगवान ने कहा जो इस माया जाल में आया है उसे एक दिन जाना है। उसके बाद उस भगवान ने बच्चे से क्या कहा जानते हो? तुम्हें 10,00,000 रुपए दिए तो ये बताओ कि वो कितने के समान होंगे। तो बच्चे ने कहा 1 रुपए के समान है। फिर उस भगवान से बबच्चे ने कहा भगवान मुझे 1 रुपए प्रसाद के रूप में दे दो। तब भगवान ने उस बच्चे से कहा ये तुम्हारे लिए 1 मिनट के लिए। बापरे सिर्फ 1 मिनट के लिए?
कार्तिक, कार्तिक। अरे क्या हो गया? सभी मुझ पर शक कर रहे हैं कार्तिक। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं खुद नहीं जानती हूँ। सच्चाई बताने के बाद भी सब मुझ पर शक कर रहे हैं। कार्तिक, इससे कहो यहाँ से चली जाए। दोबारा कभी मेरे लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? क्योंकि इसके साथ जो कोई भी रिश्ता जोड़ेगा या हमदर्दी जताएगा वो मारा जाएगा। जो इसे प्यार करेगा या इससे शादी करेगा उसकी फौरन चिता चल जाएगी। कहो ये सच है ना? तुम्हारी पैदाइश का ग्रह नक्षत्र ऐसा है। जब से तुम पैदा हुई हो तब से पंच भूत तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। वो कौन और कहां है या कैसा है ये किसी को नहीं पता। वो तो तुम्हें देख चुका है लेकिन तुम उसे नहीं पहचान पाए। किसी ने तुमसे सच्चाई बुलवाने की कोशिश की, वहां तक पहुंचने की भी कोशिश की, पर वो सब असफल रहे। सच कहा आपने। जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तब इसने चिंतापल्ली संस्था आड़पट किला का नाम लिया और इसके आगे कुछ पता नहीं पाई। तो फिर वहां अवश्य कुछ न कुछ है। इसे आप अपने साथ वहां ले जाइए, शायद वहां पे इसका कोई हल मिल जाए। चलिए चलिए। बाबूजी, आपकी बातों से मुझे लगता है एक दिन मेरी भी मौत आनी है जो अभी तक आई नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ और काम करना बाकी है, वही करने में जा रहा हूं बाबूजी। आसपास कोई होटल या ढाबा नहीं है क्या? बहुत भूख लगी है। चलो यार चलकर देखते हैं कि ढाबा मिलता है। दो दिन हो गए कुछ भी नहीं मिला। कोई भी तो नहीं? नहीं, कोई है वहां। तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग यहाँ हैं, तुम्हें भेजा गया है। लेकिन आप कौन हैं? ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी सच्चाई जानने वाला। किसने किया? दूर टीले पर बैठे हुए उस अघोरी ने। वर्षों पहले हमारा ये गांव हरियाली से भरा खुशहाल गांव था और उसकी वजह हमारे गाँव के मेहनती किसान और देवता स्वरूप इस गांव के जमींदार रुद्र नरसिम्हा जी थे। सब कुशल मंगल है ना? आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए हमारी देवी को ऊपर वाले ने हमारी अर्धांगिनी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आश्चर्य होता है ना, हम बेऔलाद थे और ऐसे में भगवान ने एक ऐसा चमत्कार किया कि हमें संतान दी। परदादाओं के जमाने से हमारे पास 14 गांवों में 500 एकड़ जमीन है और आपके पूर्वज भी हमारे परदादाओं के साथ ही काम किया करते थे और वो परंपरा आज भी जीवित है और मैं जीवित ही रखूंगा। उस जमीन में आप लोगों के नाम करूंगा। दस्तावेज आपको जल्द मिल जाएंगे। एक दिन मेरी भी मौत आनी है, आई नहीं, और इसका मतलब ये हुआ मुझे और कई काम करने हैं और इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। उम्मीद है आप मेरे साथ हैं। नमस्ते। नमस्ते मालिक।
चिनप्पा, अब मुझे जरा आराम करना है, तुम जरा बाहर जाओ और बाकी चीजों का ध्यान रखना। मालकिन ने आज भी व्रत रखा है? जी मालिक, मालकिन ने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो आप ही का इंतजार कर रही है। क्या किस्मत पाया यार, जो कोई भी उस जमींदार की बीवी की सूरत देखेगा ना, वो उसी जगह पे बेहोश हो जाएगी, इतनी खूबसूरत है। ऐसा क्या है उसमें? ऐसा क्या है, क्या क्या मतलब? जो काशी में जाकर जितना पुण्य कमाता है ना, उसके बारे में जो कोई भी गलत सोचेगा उसे उतना ही पाप चढ़ेगा। वैसे आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, मेरे दादा के जमाने से उस घर की औरतों की सूरत किसी ने भी नहीं देखी है। आपके कहने पर मैंने अपना जमीन का एक टुकड़ा हमारे गांव वालों के नाम कर दिया है और इसके कागजात जल्द तैयार हो जाएंगे। लेकिन जमींदार के साथ हमेशा रहने वाला गूंगा चिन्नप्पा अंदर और बाहर की सब राज जानता है, बहुत किस्मत वाला है। बदकिस्मती से वो गूंगा बन के पैदा हुआ, फिर भी अपनी किस्मत बहुत अच्छी लिखवा के लाया है। अरे उस घर का नौकर बनने का उसे मौका मिला। सुनिए, अगर इजाजत है तो हम घूंघट उठाएं। क्या बात है? माफी चाहता हूँ मालिक, आसपास ओले पड़े हैं, इसीलिए कुछ लोग आपके पास मदद के लिए आए हैं, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इतनी रात को? नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। कहिए इतनी रात को कैसे आना हुआ? आप तो पूरे दिन प्रजा का दुख सुख जानने के लिए घूमते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं ये नहीं, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। नहीं छोटे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको खुलकर बताता हूँ। आप अपनी जमीन से इस तरह मजदूरों को हिस्सेदारी देते रहेंगे तो फिर हमारे यहाँ कोई मजदूर काम करने क्यों आएगा? आज ओले पड़े हैं, हमें कोई मजदूर नहीं मिल रहा, हमें खुद ही काम करना पड़ रहा है। आपके दान धन को फौरन रोक दीजिए महाराज। आप बहुत गलत सोच रहे हैं वेंकट राव जी, एक एकड़ में एक परिवार आराम से जी सकता है ना? हमारे मजदूरों को हमने जीने का हक दिया है, आपको उससे जलन नहीं होनी चाहिए। जिसे 6 फुट जमीन चाहिए उसे 600 एकड़ की क्या जरूरत, आपको बस जमीन हड़पनी है और उनको जमीन पर खेती करनी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए, आप भी मेरे रास्ते पर चलिए। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, आप लोग जा सकते हैं। हाँ क्या हाल है चिनप्पा, आजकल तू दिखाई नहीं देता, तुम्हारे वाली कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ ठीक है रहने दो, अरे चप्पल पहन के आ जाओ, हाथ मुंह धो लो फिर तुम्हें बढ़िया खाना खिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए चिनप्पा, ए चिनप्पा, बचपन में ही तेरे माता पिता चल बसे, तब से मैं ही तेरा सब कुछ हूं, तू मुझसे कोई बात मत छुपाया कर, तुझे कोई तकलीफ है तो बेझिझक बता सकता है मुझे। चल पहले खाना खा।
पार्वती जल्दी से दूध ले आओ। तक यही हो, वैसे भी कुछ काम नहीं है, मैं भी आराम कर रहा हूं, तुम घर जा सकते हो। नहीं मिलेगा, नहीं होगा, चला जा, जो सपना देख रहा है वो पूरा नहीं होगा, असंभव, चला जा।
गूंगा मूरख, पराए धन को वशीभूत करना चाहता है। क्षमा मांग, जिसकी तू कामना कर रहा है उससे क्षमा मांग। आज तक कोई भी उसके पैर का नाखून तक नहीं देख पाया, तू क्या चीज है? क्षमा मांग, लौट जा। कुछ भी कर ले तू, उसके चरणों की धूल तक प्राप्त नहीं होगी तुझे। सारा प्रयास व्यर्थ है। अंतरात्मा की आवाज पर तू अपनी सीमा लांघ रहा है। तू सिद्ध क्या करना चाहता है? उसका नाम अपनी जिह्वा पर लाने के लायक भी नहीं है। तू चाहता क्या है? तू क्या करना चाहता है? कुछ नहीं कर सकता तू। के खून बहाने के बाद वो अघोरी उसका कहा मारने के लिए तैयार हो गया। उसे पाने के लिए तुझे अग्निचिता से गुजरना होगा। केवल कामना करने से कुछ नहीं हासिल होगा, मेरे सिद्ध किए हुए मंत्रों से तेरा सपना पूरा होगा। पंचभूत तेरे वश में होंगे, अंतरात्मा को जगाना होगा, वो सिद्ध मंत्र तुझे सीखना होगा।
क्या हुआ? कहाँ जा रहे? क्या हुआ? सो जा। चिन्नप्पा, तू कहाँ चला गया था? मैंने पूरे गांव में तेरे बारे में पूछा, बता के क्यों नहीं गया? क्या हुआ छोटे, तेरी तबीयत खराब है क्या? तू क्या कह रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तकलीफ क्या है बता तो। बंगला? जमींदार की नौकरानी? फिर क्या कहा? मयूका देवी? उनके बारे में सोच रहा है? तू गलत सोच रहा है छोटे। जो यहाँ के कई गांव के अन्नदाता है, उस नरसिम्हा राव जी की वो इज्जत है। तू गलत सोच रहा है चिन्नप्पा। जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। चिन्नप्पा, तेरे मन में इतना गलत ख्याल कहां से आ गया? हाँ, तांत्रिक, उनसे तेरी पहचान कैसे हो गई? लेकिन तू मंत्र कैसे जपेगा? देख छोटे, वो सीता राम की जोड़ी है, उनका बुरा मत सोच। देख मेरा कहा मान चिन्नप्पा। मयू, क्या हुआ? जाओ सो जा। पुजारी जी, मेरी देवी आज रात को नींद में चलकर कहीं जा रही थी। मैंने उसे रोक तो लिया, लेकिन वो नींद में कैसे चल सकती है? कौन क्या चाहता है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है पुजारी जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारी विपत्ति हमारे आसपास हमेशा घूमती रहती है, ये उसी का प्रभाव हो सकता है, या फिर किसी बुरी आत्मा की कुदृष्टि भी हो सकती है। माँ के मंत्रों से
अभिमंत्रित किया हुआ एक महान शक्तिशाली ताबीज है ये। ये उसे बांध दीजिएगा, किसी बुरी शक्ति का कोई असर नहीं होगा। देवी, तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना। ये देखो, ये माता का पवित्र तावीज है। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवश्य आएगी, जा जा। ए चिनप्पा, अब रात को भी गायब रहने लगा है, तेरी मति तो नहीं मारी गई चिनप्पा? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ए, देवता के पास जाने वालों को भक्त कहते हैं। जो खुद देवता बनने की कोशिश करे वो भस्म हो जाता है। जमींदार जी के बारे में बुरा सोचेगा तो तू भस्म हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? हवेली जा रहा है क्या? ठीक है, जा। दिन तू कहां गायब हो गया था चिनप्पा? छोटे भाई ने छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली। ठीक है ठीक है, मुझे कलेक्टर ऑफिस जाना है, मेरी गाड़ी साफ कर दे। क्या हुआ इतनी जल्दी? यहां क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम गाड़ी में बैठो, बैठना। बाग में पानी डाला, हमारे मालिक ने छोड़ कर चला गया।
का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए। में कौन खड़ा है? अंधेरे में जरा कुछ दिख नहीं रहा है यार। अरे तो चिन्नप्पा यार, जब से मालिक का देहांत हुआ है तब से ये पागल हो गया, इसी तरह भटक रहा है। हाँ यार, सही कह रहे।
इज्जतदार लोगों के लिए ये मोक्ष है, बुरी सोच वालों के लिए तड़प है, भक्ति करने वालों के लिए मंत्र का उपदेश, मूर्ख के लिए अंधकार। जा जा जा। नहीं मिलेगी। आयु समाप्त हो गई, असंभव है, जा। फिर जन्म लेगी, मयू का फिर जन्म लेगी। जन्म कुंडली साफ बता रही है, मयू का फिर जन्म लेगी। 100 साल की इस आयु में 4 दिन इज्जत की जिंदगी जीने वाला महान कहलाता है, वही दूसरा जन्म लेता है। अगले जन्म में मयू का नारी बनकर जन्म लेगी, उसका नाम होगा सहस्रा। तुझे इस स्त्री को पाने की लालसा है ना, तो उसी मंत्र का जाप कर। उस मंत्र के बंधन में बंधेगी वो आत्मा, उसके पैदा होते ही बालिक होने के बाद तू उसे प्राप्त कर सकता है, जा। किसी आत्मा को फिर से उसके शरीर में डालकर जीवित करना कठिन है और असंभव भी। माया योग के द्वारा उसे फिर से जीवित करने के लिए पंचभूतों को पूरी तरह अपने वश में करके अष्ट दिशाओं को अग्नि के आहुतियों से बांध कर अष्ट दिशाओं से मृत्यु के साये को वश में करके जिस घर में मृत्यु का साया ना हो वहां से सरसों लाकर युक्ति से समय की चाल को अपनी जगह रोककर मंत्र जपते हुए 24 खंडों में बांटकर काल को बांधना होगा, उसके बाद इसे जीवित किया जा सकता है। सिद्धि से सहस्रा के अंदर आत्मा प्रवेश करके तुझे मिलेगी नए रूप में। याद रख, तब तक तू किसी भी कन्या को नहीं छू सकता, तब जाकर इसकी आत्मा तेरे सिद्ध माया योग से तुझे मिलेगी। शरीर में प्रवेश होकर नहीं, जब भी इसकी आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगी तब तुझे उस कन्या को पहचानना होगा और उस जमींदार के जैसे अभिनय करना पड़ेगा। जब इसकी आत्मा को विश्वास हो जाएगा कि तू ही वो जमींदार है, तब एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उसके साथ शारीरिक सुख भोगना होगा, अन्यथा तेरा ये सिद्ध मंत्र तुझे ही हानि पहुंचा सकता है। जब तक तू उस शरीर से शारीरिक संबंध नहीं बनाता और उसके शरीर का एक बूंद रक्त जब तक उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता, तब तक ना ही उसके शरीर को सुख चैन मिलेगा और ना ही तुझे मिल सकेगा। जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता तब तक कोई मर्द उसे नहीं छू सकता, ये याद रख। जब तंत्र मंत्र विद्या में निपुण हो रहा था तब मेरे गुरु महाघोरी परलोक सिधार गए। मैंने उनके मृत शरीर को खाया, फिर अघोरी विद्या में महाशक्ति प्राप्त किया।
सभी दिशाओं को बांधकर वो जिसका इंतजार कर रहा है वो तुम हो। इसीलिए तुम्हारी शादी तय करने वाले तुम्हारे पापा और वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी होनी थी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाले उस लड़के को और तुम्हारे पीछे पड़े उस डॉक्टर को, सबको उसी ने मारा है। तो फिर मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि तुम इस बच्ची से शादी करने नहीं आए, केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले हो। सही कहा ना? खैर यहाँ आ गए तो हो सकता है इस केस की तहकीकात करने की वजह से तुम्हें और इस सारे राज को जानने वाला मुझे भी मार दे। कुछ भी हो सकता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सभी दिशाओं को बांध सकने वाला मानव के रूप में राक्षस है वो। इस जन्म में पैदा होकर अघोड़ी का रूप ले लिया। तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने ही उस चिनप्पा को। क्या? हे, क्या हुआ पंडित जी? क्या हुआ आपको? पंडित जी खून निकला, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तू जल्दी जा और गाड़ी लेके आ। हे, सहसरा कहाँ है? पढ़ भी नहीं कर रहा है। कमीना गूंगा, इस पागल की औलाद को मैं अभी सुला देता हूँ। Thank you.
तुझसे हुआ। असरा नहीं, सहसरा 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 सहसरा। सहस्रा, मैं तुम्हारा पति बनने से पहले एक पुलिस वाला बना। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे हाथों से खून हुआ। अब मैं इस केस को किस दिशा में ले जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस पर विश्वास करूं?